प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 बिशन की दिलेरी। बिशन की दिलेरी पाठ या कहानी में लेखिका प्रतिभा नाथ जी ने बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा का विषय उठाया है। इस कहानी के अनुसार 10 वर्षीय बिशन सुबह घर से बाहर निकला था। वह रोज इसी समय कर्ना दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता है। यकायक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर के बाद 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज रही थी। बिशन डर गया और पेड़ों के पीछे छिप गया। वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब बिशन को गोली चलने की वजह समझ में आने लगा था। जो फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने तीतरों का झुंड आया करता है। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए तीतरों का शिकार करने चले आते हैं हर वर्ष, और खेतों में दाना चुगने तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। बिशन दुखी हो गया। वह जान गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। तत्पश्चात वह वहां से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। तभी उसकी नजर एक घायल तीतर पर पड़ी। उसने स्वेटर उतारकर तीतर पर डाल दिया। जब वह स्वेटर में फंस गया तो उसे पकड़ लिया। बिशन ने जख्मी तीतर को अपने सीने से लगा लिया और तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी शिकारी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन जिस बात का उसे भय था वही हुआ। वह कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई दी। लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिशन का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। शिकारी गुस्से में चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था ताकि शिकारियों से पीछा छूट सके, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते जो कांटेदार झाड़ियों से भरे थे वहां से जाना उचित समझा। बहुत संभल कर चलने के बाद उसके हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोचे उभर आई थी। बिशन किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। वहां फार्म पर सन्नाटा पसरा था। अचानक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता भौंकने लगा। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया और शिकारियों की नजर से बचने के लिए खपरेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहां उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उस सब कुछ दिखाई दे रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल दत्ता के नजदीक पहुंच ही गए। उन्होंने कर्नल साहब से कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही तलाश कर रहे हैं। कर्नल साहब को गुस्सा आया। उन्होंने शिकारियों को कड़ी आवाज में डांटते हुए कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर शिकारी घबरा गए। कर्नल दत्ता यही नहीं रुके, उन्होंने बल्कि आगे भी अपना गुस्सा जारी रखते हुए कहा, पक्षियों को मारना और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ कोई तुम्हारा तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख सुन रहा था। शिकारियों के जाते हुए घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन के पास बहुजी पुकारते हुए पहुंच गया। कर्नल साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया खिलाया। फिर बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाते हुए तीतर को लेकर अपने घर चला जाता है। बिशन की दिलेरी पाठ से बच्चों यह शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी या वन्य प्राणियों को बेजुबान होते हैं, और जो अपना दुख प्रकट नहीं कर सकते उनके प्रति प्रेम की भावना रखना ही हमारा मानवीय कर्तव्य है। धन्यवाद बच्चों।